अब हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में, और यहाँ पर हमने आपके लिए लिखा है अपनी सोच में बदलाव करेंगे इस साल में आप, और फिर हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। लेकिन ये कैसे होगा, क्या बदलाव आप करेंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में बात करेंगे आपके लिए आपके हेल्थ, एजुकेशन, कैरियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, फ्रेंडशिप, फैमिली, ट्रैवल, और अंत में मैसेज ऑफ द ईयर की बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं आपके लिए आपके हेल्थ के सेक्शन से शुरू करते हैं। देखो भाई, इस साल में जो हेल्थ है वो एकदम जो है ठीक ठाक बनी हुई हैं चीज़ें, लेकिन आप देखिए, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल एज पर ले जा करके जीते हो, यानी कि लिविंग लाइफ वेरी डेंजरसली, जो कि ना कि खुद के लिए डेंजरस है और बाकी जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी डेंजरस है। तो इस चीज़ में आपको बदलाव लेके आना पड़ेगा। 2024 में गाड़ी चलाएं तो थोड़ा धीमे गाड़ी चलाएं, और कोई भी काम करें रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा जो है केयरफुली आप काम को करें। रोड रेज में फंसना या रोड रेज में इन्वॉल्व होना कोई बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, स्पेशली जब वो आपकी तरफ से इनिशिएट हो रही हो। ठीक है, तो हेल्थ के तौर पर, हेल्थ में ये है कि आप जो है यहाँ पर अपना विशेष तौर पर ख्याल रखें और अपनी इम्पल्सिस पर काबू पाएँ बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन। आपकी पढ़ाई लिखाई शानदार चल रही है, लेकिन आपका कंपटीशन किसी के भी साथ नहीं है, आपका कंपटीशन खुद के ही साथ में है। किसी से अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि लाइफ्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं। आप शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और बढ़िया जो है आपको रिजल्ट भी इस साल में मिलेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एजुकेशन के रास्ते में, लेकिन उनको आप दूर कर लेंगे आप समय रहते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास में करियर। कार्यस्थल पर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी उलझी हुई रहेंगी इस साल में, लेकिन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन आपको अगेन अपने जो है थोड़े से ईगो से नीचे आना पड़ेगा, चीज़ों को ठंडे दिमाग से समझें। हमेशा उनमें आपको कुछ नुक्स या कुछ जो है खोट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को बड़े आराम से समझें, ठंडे दिमाग से समझें, बिल्कुल चीज़ें सॉर्टेड आपके सामने रहेंगी। ओके, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंटफुली, मतलब पेशेंस के साथ में समझें। बिल्कुल कार्यस्थल पर आपके लिए कोई चुनौती बिल्कुल मुझे नहीं दिखती कोई है, अगर आपने ठंडे दिमाग से काम लिया तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में फाइनेंस। रुपए पैसे की आपकी स्थिति और फिर और बिजनेस की स्थिति शानदार रहेगी इस साल में। यहाँ पर आप बिल्कुल एक बहुत ही शानदार नंबर से पास होंगे फाइनेंस के सेक्टर में। सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी, स्पेशली बिजनेस में और आपके जो है रुपए पैसे के उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ हिप एंड हैपनिंग रहेगी बहुत शानदार तरीके से। अब जब आप लाइफ को थोड़ा सा वैसे लेते हैं, नॉन सीरियसली लेते हैं, तो आपको ऐसे पार्टनर भी मिल जाते हैं जो उस लाइफ स्टाइल को लाइक करते हैं, और ऐसे पार्टनर्स जो हैं वो कई बार आपको एक अलग ही तरफ लेकर के जा रहे होते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से, है ना, लाइफ लिविंग डेंजरसली इज नॉट रियली गुड। ओके, लाइफ को खतरनाक तरीके से जीना कभी भी ठीक नहीं है, चाहे लोग उसके लिए आपको प्यार करते हों, चाहे लोग उसके लिए आपको कुछ और भी कहते हों, लेकिन बिल्कुल एक समझदारी भरा जो है आपको एक ये जो है निर्णय लेने पड़ेंगे, और इसकी वजह से जो है चीज़ें ठीक ठाक आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में आपकी मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ भी शानदार तरीके से चलेगी इस साल में, और कोई मुझे वहाँ पर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन एक आध दो मोमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो है कुछ ईगो इश्यू बन जाए। ईगो इश्यूज किसी भी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। आपकी यारी दोस्ती किससे लोग आपको काफ़ी सुनाते हैं, और आप वहाँ पर सुपरस्टार बने रहेंगे। नेक्स्ट है फैमिली। परिवार का साथ आपको मिलेगा, लेकिन परिवार का साथ आपको तब तक मिलेगा जब तक कोई इशू नहीं हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनके इश्यूज को, बहुत ज़्यादा उनके रिसोर्सेज को भी स्ट्रेच करके फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में ट्रैवल। आपकी यात्राएँ इस साल में हो सकती हैं, और यात्राएं भाई ऐसी हैं कि यात्राओं में स्पिरिचुअल, पर्सनल, प्रोफेशनल सारी तरह की यात्राएं आपकी पॉसिबल हैं। जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारे चांसेस इसमें मिलेंगे। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास मैसेज ऑफ द ईयर। मैसेज ऑफ द ईयर यही है, अपनी सोच में बदलाव करेंगे इस साल में आप, और फिर हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी। इस साल आप सीरियसली सोचेंगे कि यार ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हैं,
क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में आ रही है, या तो इनमें कुछ कंट्रोल का इशू है या इनमें कुछ मेरी तरफ से बिहेवियर का इशू है। आप उन चीज़ों पे सीरियसली विचार करेंगे इस साल में, और बिल्कुल फिर आप जब आप विचार कर लेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ों कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क को जब आप प्रैक्टिस में लगाएंगे तो बिल्कुल हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी निसंदेह तौर पर। अपना ख्याल रखें, हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।